देश भर में कोरोना ने बढ़ाई अपनी रफ्तार। देश में रिकॉर्ड तोड़ 1,31,000 से नए केस सामने आए। 800 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र दिल्ली ज्यादा प्रभावित। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। सभी को लग चुका है टीका। 32 डॉक्टर होम क्वारंटीन। 5 अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। अवंतीपोरा के त्राल में 2, शोपिया में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मां गुलशन आरा की मुसीबतें टलने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल यहां सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब ईडी ने मनी लॉन्ड्री के मामले में मुफ्ती की मां गुलशन आरा को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय मामले में गंभीर बना हुआ है और ऐसे में साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को पीडीपी प्रमुख महबूबा की मां को समन किया है। वहीं पीडीपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि यह महबूबा मुफ्ती समेत पीडीपी के खिलाफ बड़ी राजनीति का खेल है, जिसके तहत अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के एक सहयोगी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और यहां ईडी के हाथ 2 डायरियां लगी और इन 2 डायरियों के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और खबरों के मुताबिक इस बरामद की गई डायरियों में मुख्यमंत्री के विवेकाधीन फंड से भुगतान की बातें थी, जो साफ तौर पर नियमों के खिलाफ है। वहीं बता दें आपको कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने और वाहन के साथ कथित मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी मुंबई पुलिस क्राइम के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे ने पत्र लिखकर धन उगाही के आरोप लगाए। और इसी के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के लिए गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी साजिशें हैं जो कामयाब नहीं होंगी। तो यहाँ संजय राउत का ये बयान तब आया जब एक दिन पहले निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एक पत्र में दावा किया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवा जारी रखने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे। अब आपको बता दें कि एक अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे ठेकेदारी से पैसा इकट्ठ करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। सर, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है। यह प्रेशर आर्थिक है, यह प्रेशर वैक्सीन का है, यह प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर लोगों की। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सचिन वाजे ने जो पत्र लिखा है और पैसों की मांग को लेकर उल्लेख किया है वह बहुत ज्यादा गंभीर बात है और यहां अनिल देशमुख पर भी आरोप है और इसकी पूरी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सचिन वाजे और शिवसेना का संबंध रहा है और ऐसे में सचिन वाजे शिव सैनिक ही था। सचिन वाजे ने पत्र लिखा है और उसमें 2 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की मांग को लेकर उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है। ये बात बहुत बड़ी सीरियस है। अनिल देशमुख पर भी आरोप है और हमारे अनिल परब पर भी मतलब इसी तरह का आरोप है। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सही कार्रवाई होनी चाहिए। सर, भाजपा के इशारे पर वो ऐसा कह रहे हैं, एनआईए के दबाव में ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप अनिल परब ने और शिवसेना ने लगाया है। ना, मुझे लगता है कि सचिन वाजे का और शिवसेना का संबंध रहा है। सचिन वाजे शिव सैनिक ही था और इसीलिए मतलब बीजेपी का कोई इसमें संबंध बिल्कुल नहीं है।
ये झूठा आरोप किया जा रहा। उधर महाराष्ट्र में वसूली कांड पर सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला किया। इस बीच बीजेपी नेता राम कदम ने एक बार फिर सीबीआई जांच की बात कही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर कोर्ट के फैसले को करारा तमाचा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार को पुनः एक बार देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया है। जब से ये तीन दलों की सरकार सत्ता में आई है, उस दिन अलग अलग मामलों में न्यायपालिका ने इतनी बार इनके मुंह पर करारा तमाचा दिया है। सवाल ये उठता है, अब तक इनका मुंह सूझ कैसे नहीं गया? अब की बार जब भी न्यायपालिका में जाए अपना काला दागी चेहरा छुपाने के लिए और करारा तमाचा न्यायपालिका की ओर से आने के बाद मुंह की सूजन न दिखे इसलिए कोई मलम ले जाए। सीबीआई की जांच एजेंसी अपने भारत की जांच एजेंसी है, कोई पाकिस्तान की नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को आपत्ति किस बात की? उनका रवैया स्पष्ट करता है कि जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने किया है और उसी के लिए उनको सीबीआई की जांच पर डर लगता है। माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और इस पर मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। मुख्तार अंसारी साहब की पेशी होनी थी, हुई भी, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4:30 बजे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी सुनिश्चित कराई और उनसे उनकी हालचाल लिया। उन्होंने बाधा जेल की शिकायत किया कि साहब हमको परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, न ही हमारे अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह मशवरे के लिए बातचीत संभव हो पा रही है। लिहाजा यह निर्देशित करें कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे विधिक राय लेने हैं तो अधिवक्ताओं से मिलने की छूट दी जाए, परिवारजनों से मिलने की छूट दी जाए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुपरिटेंडेंट जेल बाधा आदेशित किया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए तथा इनके अधिवक्ताओं से मिलने की इनको छूट मिले, इनके परिवारजनों से भी इनको मिलने की छूट मिले तथा इनके स्वास्थ्य या इनकी देखभाल या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से चूक न हो। डेट कौन सी पड़ी अगली? 22/4/2021। तो क्या डेट पड़ी अगली वो? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ ने जवान के पास पहुंचने की पुष्टि की तो यहां कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने के लिए मध्यस्थता टीम गठित की गई थी और इसमें पदश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया शामिल थे। इस बीच सैकड़ों गाँव वालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि राकेश्वर सिंह मनहास के रिहा होने के बाद उन्हें बासागुड़ा ले जाया गया और यहां सीआरपीएफ के डीजी ने मनहास के उनके पास पहुंचने की पुष्टि भी की। और इस बीच राकेश्वर सिंह मनहास का मेडिकल किया जा रहा है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि जवान की रिहाई के बाद मध्यस्थता कराने की गई 2 सदस्यीय टीम ने बस्तर के पत्रकारों को नक्सलियों के कब्जे से छुड़ा लिया है और यहां नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने के बस्तर के बीहड़ में वार्ता दल समेत 11 सदस्यीय टीम पहुंची थी। जैसे ही हम लोग को ज्ञात हुआ ऑपरेशन में जो मिसिंग था वो जवान नमावादियों के चंगुल में है, तो वैसे ही हम लोग के जो है लगातार प्रयास जारी थे, विशेष करके इस क्षेत्र के जो समाज प्रमुख लोग हैं और साथ ही जो इस संभाग में जो कार्यरत जो है प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से उनके माध्यम से संपर्क किया गया, साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे, वो सभी का जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल रिहा करें। सर हालत कैसी? हालत कैसी सर? अभी जो है डॉक्टर साहब लोग जो है अपने उसमें रखे हैं, डॉक्टर साहब अपने पोजिशन में रखे, फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे उनका पूरा टेस्ट करके। भारत में गुरुवार को कोरोना केस के नए रिकॉर्ड के साथ वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड समेत कुछ राज्यों ने जहां पर्याप्त वैक्सीन ना मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, वहीं केंद्र सरकार ने भी राज्यों पर अपना दायित्व न निभाने और बहाना बनाने का आरोप लगाया। तो यहां पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड ने
केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि उनके यहाँ कोरोना वैक्सीन का लिमिटेड स्टॉक बचा है और इन राज्यों का कहना है कि अगर वैक्सीन का स्टॉक तुरंत ना मुहैया कराया गया तो वैक्सीनेशन ठप हो जाएगा। और इन तीनों राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इस वक्त की खबर सामने आई, जहाँ बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। उधर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इन सभी डॉक्टरों को कोरोना का टीका लग चुका है। जानकारी के मुताबिक 32 डॉक्टर होम को आइसोलेशन में हैं और इस बीच 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे देश में तबाही मचा रखी है। और वहीं वीरवार को 1,26,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में 685 मौतें भी दर्ज की गई और इसी के चलते देश के कुल शहरों में टोटल लॉकडाउन तो ज्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में कहा कि संक्रमण के दर महाराष्ट्र में 25% और छत्तीसगढ़ में 18% और बहुत सारे राज्यों में 10% से ऊपर है और दिल्ली में भी यह आंकड़ा 6% क्रॉस कर चुका है और पूरा देश एक तरह के ट्रेंड पर चल रहा है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि शहरों में ज्यादा और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम है और जितने भी शहर हैं उनमें करीब एक हफ्ते आगे पीछे का ट्रेंड चल रहा है। और इस बीच अब खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार रात को अधिकारियों को माइक्रो कंटेनमेंट के निर्धारण और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। तो यहां सीएम गहलोत ने कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। आपको बता दें कि गहलोत ने निर्देश दिए कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भीलवाड़ा में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां संक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टर छोटे माइक्रो कंटेनमेंट बनाए जाए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि संपर्कों का पता लगाने और जांच में तेजी लाने के लिए विशेष योजना तैयार कर अमल में लाया जाए। इस बीच एक सरकारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की कड़ाई से पालना की जाए। तो यहां स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ माल जन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति, उपचाराधीन मामलों की संख्या और संक्रमण रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी। यहां बैठक में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक ML लाठर, प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार रात को अधिकारियों को माइक्रो कंटेनमेंट के निर्धारण और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। और इस बीच यहां उन्होंने कहा कि निर्देश भी दिए कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भीलवाड़ा में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए जिला कलेक्टर छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। इस बीच उन्होंने कहा कि संपर्कों का पता लगाने और जांच में तेजी लाने के लिए विशेष योजना का अमल किया जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के काफी सारे नए मामले सामने आए और इस बीच दिल्ली में संक्रमण दर 6 पार कर गई है और इस बार कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है लेकिन मौतें कम नहीं हुई हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में अभी वैक्सीन का 4-5 दिन का स्टॉक है। उसमें बहुत आए थे पर धीरे 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 बढ़ रहे थे। इस बार देखने में ऐसा आ रहा है कि बहुत तेजी से एकदम से जो केसेस हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि जो केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं वो यंग लोगों के काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कल आपने जो कही थी बात की सर, जताई थी कि संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो तो एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ जा सकता है, वो दिख रहा है 6% को पार कर गया। देखिए संक्रमण दर ना कई राज्यों के अंदर जैसे महाराष्ट्र में 25% है, छत्तीसगढ़ में 18% है, बहुत सारे राज्यों में 10% से ऊपर है और दिल्ली में भी 6% क्रॉस कर चुका है। और देखो पूरा देश लगभग एक ही तरह से ट्रेंड चल रहा है, शहरों में ज़्यादा है और मतलब गांव में विलेजेज में थोड़ा कम है। तो जितने भी शहर हैं लगभग मोर और लेस एक हफ्ता आगे पीछे सबके अंदर। उधर ईडी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ पहला आरोप पत्र गुरुवार को दाखिल कर दिया। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों की 60 संपत्तियों और 50 से ज्यादा बैंक खातों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की। इस बीच जब्त की गई संपत्तियां 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
और इस बीच बताया गया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली एसपी सरकार के दौरान प्रजापति को खनन विभाग का प्रभार था। ऐसे में ईडी कथित तौर पर आय अधिक संपत्ति मामले में धन शोधन के आरोपों की जांच लगातार कर रही है। ऐसे में ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि कुल 57 बैंक खातों में से 3.5 करोड़ रुपए और 33.45 करोड़ रुपए की 60 अचल संपत्तियां जब्त की गई है और इन संपत्तियों का बाजार मूल्य आज के समय में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के भिंड के बिसलपुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। यहां खेतों के बीच से गुजर रही बिजली के तारों ने कई किसानों की फसल बर्बाद कर दी। दरअसल यहां खेतों के बीच में झुलसती हुई लाइन के आपस में टकराने की चिंगारी खेतों में जा गिरी और जिससे 3 किसानों के खेत जलकर राख हो गए और इस हादसे में तकरीबन 7 किले गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इस बीच दमकल विभाग की मौके पर गाड़ियां नहीं पहुंचने से ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर आग पर काबू पाया। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने पीड़ित परिवार के को सांत्वना दिलाई और एसडीएम उचित मुआवजा दिलाने की भी बात कह रहे हैं। आकलन होगा उचित मुआवजा मिलेगा। गरीब किसान है, आग लग गई है, शॉर्ट से कार वगैरह से आग लगी है। निश्चित रूप से हम लोगों ने चर्चा की है और सब अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं, पूरी सरकार साथ में है, किसानों के साथ में है। उधर हरियाणा के पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव की मौत की खबर सुनने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद शव को जिंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के ही कई घंटे बिता दिए। जो 32 साल का मेल था और वो गैलेक्सी हॉस्पिटल से बॉडी डेड बॉडी लाए गए थे। रहने वाले वो बल्लभगढ़ के थे और उनका इलाज भी जो चल रहा था वो कोरोना से संबंधित इलाज चल रहा था। ब्रेथ कैंसर की स्थिति उनको फास्ट खोलने की थी और उनको जब वेंटिलेटर के लिए रेफर किया गया तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बॉडी को यहाँ लाया गया। यहाँ से कहाँ भेजा गया? यहाँ से डिस्पोजल नहीं, बॉडी को जैसे कि भारत सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं बॉडी को डिस्पोज या उनका जो भी कोई क्रेमेट अंतिम संस्कार किया जाता है वो अंतिम संस्कार यहीं पलवल में ही किया गया है। तो बॉडी को यहीं सब कुछ जो भी उसको लास्ट में जो दवशाह जो शवदाह गृह में ले जाया गया था और सभी नियमों को ध्यान रखते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे को कोरोना की नहीं बताई थी, गैलेक्सी हॉस्पिटल से ये फरीदाबाद क्यूआरजी के लिए रेफर था, रास्ते में एक्सपायर हो गया था। कहाँ पे? ये रास्ते में क्यूआरजी पे ले हो गया था। अच्छा। फिर इसको वापसी में यहाँ गैलेक्सी ले आए थे, गैलेक्सी वालों ने यहाँ सरकारी में भेज दिया। सरकारी से फिर रात को यहाँ पे सुबह 4:30 बजे करीब ये किट मंगवा के इन्होंने पैकिंग वैकिंग करके फिर यहाँ जमा करवा दी डेड बॉडी। अच्छा, रात भर गाड़ी में ही रही डेड बॉडी? नहीं, रात भर गाड़ी में नहीं रही जी। परिजन आ रहे थे वहाँ से बल्लमगढ़ से, उसकी मम्मी और घर वाले, वो शीशा खोल के उसको दिखाया था उसको और दिखाने के बाद। उधर बढ़ते कोरोना के संक्रमण की वजह से गाजियाबाद की जिलाधिकारी ने बड़े निर्देश जारी किए। इस बीच गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने 17 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। बंद करने का निर्णय किया गया है। जिन शिक्षण संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही हैं या जहां प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं वे यथावत खुले रहेंगे। बाकी बेसिक के स्कूल्स, माध्यमिक के स्कूल्स और उच्च शिक्षा की सभी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र की हो और चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र की हो, सभी बंद रहेंगे।
उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ा हादसा हुआ। तो यहाँ बख्शीवाला रोड पटाखे बनाने की फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ और जिसमें 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि धमाका इतनी तेज था कि अस्पताल का इलाका तहल उठा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई और इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया और इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। और वहीं पुलिस के अनुसार वेदपाल, सिंटू पुत्र राजा राम, प्रदीप पुत्र रामोतार, सोनू पुत्र ऋषिपाल और ब्रिजपाल की हादसे में मौत हुई है। वहीं जांच में पता चला कि नहटोर निवासी यूसुफ के नाम ये फैक्ट्री चल रही है और दिसंबर 2025 तक फैक्ट्री का लाइसेंस रजिस्टर्ड है। और वहीं मौके पर पहुंचे डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि फैक्ट्री में कारीगर काम कर रहे थे और इसी दौरान फैक्ट्री में आग लग गई और यहां आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और उनका साफ तौर पर कहना है कि आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही है। फिर क्या हुआ अचानक? अचानक से आग लग गई। काहे में लगी आग? खुद ही लगी, पता नहीं कहाँ पर लगी, हम तो भाग गए। तो कुछ ब्लास्ट, कुछ आवाज आई थी क्या? नहीं, बस वहाँ पर चिंगारी से उठ रही थी और वैसे हम भागे वहाँ। तो कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ? 9 लोग। 9 लोग कर रहे थे। तो अभी और कहाँ है? और का पता नहीं, मैं वहाँ से भाग गया बस। तो कितनी सैलरी मिलती है आपको वहाँ पे? 7,000 रुपये। बिजनौर जनपद के बिजनौर के आउटर पर एक मकान था, एकांत में पूछो किसका है तो उसका नाम बता दो। जहाँ पर 4-5 लोग काम कर रहे थे, बताया जा रहा है कि यहाँ केमिकल रखा हुआ है जो देखने से प्रतीत होता है, कुछ पटाखे की सामग्री थी, अचानक उसमें आग लग गया, 5 लोग झुलस गए और उनकी मौके पर दर्दनाक और दुखद मृत्यु हुई। जो ठेकेदार था, जो इसको संचालन करता था यूसुफ, इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। डेड बॉडी को मौके से मोर्चरी के लिए, पंचायत रामा के लिए भेज दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि यह लाइसेंसी था। उधर हरियाणा के रोहतक में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और ये हादसा रोहतक रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। और इस बीच जानकारी के मुताबिक ट्रेन में रवाना होने से 2 घंटे पहले भीषण आग लग गई और आग यहां इतनी भीषण थी कि इसके कारण गाड़ियों की 3 बोगियां जलकर राख हो गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां कड़ी मशक्कत कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बता दें कि रोहतक के दिल्ली जाने वाली EMU ट्रेन में रवाना होने के 2 घंटे पहले ही आग लगी थी और ट्रेन को रोहतक से शाम 4:10 पर रवाना होना था। हालांकि ये जिस समय ट्रेन में आग लगी तब कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। और यहां बताया जा रहा है कि ट्रेन में आग कैसे लगी इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मेरे को ऐसा पता लगे जी, ये गाड़ी आ रही थी इधर से और ये ऊँ करता आ रही थी, देखा पुलिस कितना कितनी फिर देखा तो भागका है, तो आग लगी पाई। किसमें आग लगी थी? इसलिए डिब्बे में रखा था, उसके बाद नहीं पता, मतलब फैलते चले गए, फिर कुदरती आग ज्यादा डिब्बे लग गए। आदमी बैठा था गाड़ी में? ना, इसमें कोई आदमी था। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना? फायर ब्रिगेड आई, मुझे देखी फायर ब्रिगेड आई, जब प्रधान चले गए। आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जाओ थी, आग हो जाए। लगता था काफी नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो इसमें डब्बे डुब्बे गया, बाकी बोर की साइड नुकसान हुआ। नुकसान हो सकता था? हाँ, काफी हो सकता था, बराबर गाड़ी में उसमें हो सकता था। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अवैध कारोबार और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि चलते जालून की डकोर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और जिसके चलते पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। और मामले का खुलासा करते हुए उरई CEO संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के नाम से 4 निर्मित तमंचा, 3 अर्ध निर्मित तमंचा और आरोपी को हथियार बनाने के उपकरण के साथ साथ 12 चिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
थाना डकोर क्षेत्र में एक नंद किशोर का आदमी जैसारी खुर्द गांव का असलाह फैक्ट्री चलाते थे, ऐसी पुलिस को सूचना मिली और उस सूचना पे पुलिस ने छापेमारी करके इनके यहाँ से अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसमें 4 तमंचे बने हुए और 3 अर्धनिर्मित, 12 कारतूस मिले हैं 315 बोर के और 3 कारतूस मिले हुए हैं 12 बोर के और 3 कारतूस जो है इनके चले हुए हैं। ये सारी चीज़ें और सारा असलाह बनाने का, इनका तमंचा बनाने का जो सामान है उसको बरामद किया है पुलिस ने। निश्चित एक राइफल भी बरामद हुई है। हाँ, एक पुरानी राइफल भी बरामद हुई है और एक रिवॉल्वर पुरानी बरामद हुई है। पकड़े गए अभी तक कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, ये इनका आपराधिक इतिहास रहा है। 2004-05 में आर्म्स एक्ट के मुकदमे में ये जेल गए हुए हैं और बीच में इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, फिर से जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल पकड़ के कार्रवाई की इन पे और सारा जखीरा बरामद किया। दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ने पर सख्ती शुरू हुई तो वहीं प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के भय से पलायन शुरू कर दिया और पिछले साल लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन्हीं परेशानियों के चलते और इनसे बचने के लिए प्रवासियों ने पहले ही पलायन शुरू कर दिया। अब हरियाणा के सोनीपत में घर वापस जाने वालों की राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन लगी है और यहाँ से करीब 3,000 मजदूर पलायन भी कर चुके हैं। उधर यूपी के लखनऊ में कमिश्नर के अमध्य जोन स्थित आलमबाग पुलिस के शातिर अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में आपको बता दें कि ये लुटेरे राहगीरों के साथ स्नैचिंग और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और जिन पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को अपराधियों के पास से 3,000 नकद और एक स्मार्टफोन बरामद हुआ है। घटना एक 7 तारीख की है, 7:15 की रात की है और ये जेल रोड है। जेल रोड पे ये 3 लोग थे, इन तीनों लोगों ने किसी भी गाड़ी में जो दूसरा जिसकी शिकायत थी उसको रोक कर और इन्होंने उसके पैसे, उसके पास से 3,000 समथिंग पैसा था वो उनसे ले लिया और उनका मोबाइल फोन। कितने लोग थे शामिल इसमें और कब से लोग चोरी कर रहे थे? कोई का पुराना अकाली इतिहास? अभी तक वो उनका खंगाला गया है, जो उनका पुराना आपराधिक इतिहास तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जो है ये अपना जो उन्होंने बताया जाता है कि हमारी पहली ये घटना थी। कितने लोग शामिल थे? 3 लोग की संख्या। कहाँ की घटना थी? ये जेल रोड है, जो जेल रोड के पास की घटना है। इसमें 3 लोग अजय आर्थिक। हरियाणा के कितलाना टोर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार ने अपने विधानसभा सत्र में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश करके किसानों को झटका दिया है। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने सरकार पर जमकर हमला बोला और यहां किसान नेताओं ने कहा कि ये कानून किसान आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से पास किया गया, लेकिन सरकार अपने मकसद में कतई कामयाब नहीं होगी। बता दें कि इस दौरान कितलाना टोल पर किसानों ने संपत्ति क्षति वसूली कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, सरकार हरियाणा सरकार जो आंदोलन को कुचलने के लिए एक गैर संवैधानिक बिल कानून बनाया है, आज हमने उसकी प्रतियां जलाई हैं। इस कानून के तहत सरकार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।